बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं 14-15 साल की बच्ची का बॉक्स प्लेट लहंगा तैयार कर रही हूँ। बहुत ही आसान है इसको सिलाई करना। आजकल लहंगा आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। बच्चियाँ, यंग बच्चियाँ शादी के फंक्शन में, मेहंदी के फंक्शन में लहंगा बहुत शौक से पहन रही हैं। तो ये देखिए, मेरे पास कन्नी वाली साइड है जो वो ऊपर है, ये पूरी लेंथ हमने रखी है। इसके जो अर्ज़ है वो सारा रखा है। ये तकरीबन 44 या 48 इसकी लेंथ है लहंगे की। तो ये देखिए, मैं बॉक्स प्लेट ऐसे डाल रही हूँ ये कन्नी वाली साइड से ऊपर, ऐसे ही नीचे को हम लेस लगा देंगे। ऊपर बेल्ट लगाऊंगी, इसके तकरीबन 2 से 2.5 इंच का बेल्ट होगा छोटा सा। और ये देखिए, एक मैंने चुनट 2 इंच की चुनट डाली है मैंने बड़ी आगे को, और 2 इंच की ऐसे उठा के मैंने उसके साथ बॉक्स प्लेट की सूरत में डाली है। ये 4 बॉक्स प्लेट हमारे फ्रंट में आएंगे, 4 ही हमारे बैक में आएंगे। लहंगे आप बहुत से सिलाई किए होंगे, देखे होंगे। अम्ब्रेला कटिंग में लहंगे की भी कटिंग होती है, बहुत ज़बरदस्त लगता है। अम्ब्रेला लहंगा भी, चुनट में भी लहंगे चलते हैं, लेकिन अब ये हम पहले बॉक्स प्लेट शरारे थे, अब ये बॉक्स प्लेट में लहंगा तैयार कर रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त है, नीचे से काफ़ी खुला होगा, जितना खुला होगा उतना ही अच्छा है। लहंगे खुले ही अच्छे लगते हैं। मैं दूसरी साइड पर भी ऐसे ही चुनट्स डाली हैं। अब इसके बाद मैं बेल्ट तैयार कर रही हूँ। तो बेल्ट की जो मैंने, आपने पहले इसके फूलों का ख्याल रखना है, कढ़ाई के जो फूल हैं वो हमारे ऊपर को ही इनका रुख होना चाहिए दोनों का। लेंथ जो है बेल्ट की 6 इंच मैंने ली है, 1.5 इंच ये तकरीबन लास्टिक में चला जाएगा। तो इसको लहंगे को हमने बॉक्स प्लेट डाल लिए हैं, उसके बाद हमने लहंगे को दोनों साइडों से स्टिच कर लेना है। और ये बेल्ट तैयार कर रही हूँ। बेल्ट तैयार करने के बाद इसको हमने लहंगे के साथ अटैच कर देना है। बहुत ही ज़्यादा आसान है इसको सिलाई करना, तो बहुत ही आसान है। आप वीडियो देख के आप खुद स्टिच कर सकती हैं घर में अपने बच्चों के, ना कि आप टेलर से सिलवाएं सिलाई दे के। तो आप खुद भी बहुत ज़्यादा आसानी के साथ इसको सी सकती हैं। इसको सीना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये अम्ब्रेला लहंगा नहीं है। अम्ब्रेला की कटिंग थोड़ी सी ज़रूर आपको मुश्किल लगती होगी, लेकिन ये लहंगा जो है सिलाई करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसकी लेंथ हमने ज़्यादा रखी है, क्योंकि इसके साथ जो कुर्ती है वो बहुत शॉर्ट में है। कुर्ती आजकल बहुत ज़्यादा शॉर्ट में चल रही है, और लहंगे जो है वो बड़े चल रहे हैं। अब ये बेल्ट हमने तैयार कर लिया है। अब इसको बेल्ट को हम बैलेंस करने के बाद एक सिलाई इसके ऊपर लगाएंगे, ताकि ये अच्छे से सेट होकर बैठ जाए। अब ये एक सिलाई में ऊपर लगाने के बाद बेल्ट को लहंगे के साथ अटैच करने के बाद आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। आपसे एक ही दरख्वास्त है कि प्लीज़, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा, और बेल के बटन को लाजमी हिट कीजिएगा, ताकि जो मेरी नई वीडियोस आ रही हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। ये देखिए जी, हमारा लहंगा जो बिल्कुल रेडी है, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है माशाल्लाह। ये देखिए, बॉक्स प्लेट हमारे बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। नीचे यहाँ से टांगे और नीचे से आकर ये खुल जाएंगे। ये देखिए, आपको बॉक्स प्लेट नज़र आ रहे होंगे। फ्रंट में जो बैग में भी 3 हमने डाले हैं, और ऊपर ये छोटा सा बेल्ट लगाया जो ऊपर ही चला जाएगा। छोटी सी हमारी शॉर्ट कुर्ती है इसके साथ, और नीचे हमने ये इसके लैस लगाई है। काफ़ी खुला है ये नीचे से, तो बॉक्स प्लेट में जो हमने काफ़ी सारा जो है वो बॉक्स में दे दिया। ये देखिए आप, ये नीचे से काफ़ी खुला है, और ये लैस हमने लगाई है गोल्डन शेड में, जो हमारी काम इसमें है सेम वैसे की हमने ये लैस लगाई है। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मेरे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।